नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम आपको कुछ ब्यूटी टिप्स देंगे। आप सभी के बहुत कमेंट आ रहे थे इतने दिनों से कि मैडम आप हमें कुछ ब्यूटी टिप्स दें जो कि आप स्वयं फॉलो करती हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स देंगे जो कि हम स्वयं करते हैं, और यदि आप इसे जो है रोजमर्रा लागू करते हैं, अपने रूटीन में शामिल करते हैं, तो आप बिल्कुल 40 के उम्र में भी 20 के दिख सकते हैं, और इसमें आपका कुछ भी खर्चा नहीं होने वाला है। बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट आपको नहीं लगाने हैं और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आप उसे फॉलो करें और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। तो ज्यादा सस्पेंस में न रखते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, हमें अपने आप को फिट रखने के लिए दो तीन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमें अपने पूरे शरीर को, बॉडी को मेंटेन रखने के लिए अपने शरीर में वात, पित्त और कफ, जब हम आयुर्वेद के अनुसार देखते हैं, तो इन चीजों का जब भी हमारे शरीर में इन बैलेंस होता है, यानी कि किसी भी चीज की बढ़ोतरी हो जाती है, तभी हमारे अंदर बहुत सारे रोग आते हैं और इनसे हमारा मोटापा भी बढ़ता है और इससे हमारी एज भी ज्यादा दिखती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपने डाइट में क्या क्या लेना है उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो भी हम आपको आगे बताते रहेंगे। ये पूरा एक ब्यूटी सीरीज चलेगा जो अलग अलग तरह की वीडियो हम आपको लेकर आएंगे। लेकिन जो ये पहला हमारा वीडियो है ब्यूटी टिप्स को लेकर, इसमें हम सबसे पहले आपके फेस के लिए हमें क्या करना है वह हम जानकारी देंगे। तो आपको कुछ योगा टिप्स हम बताएंगे जिसे यदि आप फॉलो करते हैं तो आपको इसका बहुत लाभ मिलने वाला है और आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं खर्च करने वाले हैं। कुछ टाइम आपको देना पड़ेगा और इसे आप कब करें, कभी भी कर सकते हैं। आप सुबह सवेरे करें, आपको सोते समय भी कर सकते हैं, आप दोपहर में कर सकते हैं, आप ऑफिस यदि जाते हैं तो ऑफिस में भी कुछ समय आप निकाल के ये कर सकते हैं। और 10-15 मिनट का समय आपका लगेगा, एक बार आप अभ्यास कर लेंगे तो आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है वह हम जानते हैं। अपने दोनों गालों में हवा भरनी है और फुल टाइट, आपकी स्किन यहाँ से थोड़ा सा आपको दर्द भी महसूस होगा। ठीक है, तो हम आपको पोस्चर करके दिखाते हैं। थोड़ा सा फनी लगेगा लेकिन कोई नहीं, आपके लिए हम ये करने के लिए तैयार हैं। देखिए, आपको आप मिरर भी ले सकते हैं अगर आपको सही लगता है तो। आपने देखा कि आप अपने मुंह में खूब अच्छे से हवा भर लें, बिल्कुल टाइट हो जानी चाहिए, यहां से आपको खिंचाव महसूस होगा स्किन में। और ये करीब आप 10 टाइम, यानी कि आप अपने मन में 10 तक गिनती गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन पहली बार में आप 10 नहीं गिन पाएंगे ना, तो आप 5 बारी इस तरह से गिने, फिर एक एक डिजिट आपको बढ़ाते जाना है। पहले दिन आप शुरुआत कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5, बस इतना ही करें। अगले दिन 6, फिर 7, फिर 8, इस तरह से 10 टाइम आपको करना है। तो फिर एक बार हम आपको करके दिखाते हैं। दोनों गालों में आपको हवा भरनी है। आप नॉर्मल हो जाएं। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों गालों में आपको हवा भरनी है, इसी तरह से एक गाल को आपको हवा भरनी है। ठीक है, तो एक तरफ से ले जाके दूसरी तरफ आपको ट्रांसफर करना है हवा को। इसको कैसे करेंगे वो आप देखें। आपने देखा कि एक तरफ की हवा दूसरी तरफ मैंने ट्रांसफर किया है।
ये भी आपको 5 टाइम करना है और धीरे धीरे एक एक करके आपको बढ़ाते जाना है। अब हम आपको इसे पानी से कैसे करना है वह भी हम बताते हैं। तो आपको इस तरह से 1 ग्लास पानी लेना है और अपने मुंह में पानी को भरना है। आप सिंक के पास खड़े हो जाएं। आप इस तरह से पानी को वापस बाहर कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप पानी के साथ करेंगे तो आपको सिंक के पास वॉश बेसिन के साथ में रहना पड़ेगा। यदि आप हवा के द्वारा करते हैं तो आप कहीं भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि हवा के साथ आपको ज्यादा इजी होगा। अब आपने यहाँ की स्किन को टाइट कर लिया, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को यहाँ के जो हमारे लिप्स एरियाज होते हैं, ये चीजें धीरे धीरे नीचे को लटकने लगती हैं। तो यहाँ के जो है रिंकल्स ना हो, हमारी स्किन टाइट रहे, उसके लिए हमें यहाँ के पोस्चर को कुछ ध्यान देना है। तो आपको करना क्या है, जो मैंने आपको हवा भरने वाली एक्सरसाइज इधर बताई थी, दोनों गालों में भर के इधर से उधर ट्रांसफर करना है। उसी प्रकार से आपको जो अपर लिप्स है उसमें और जो लोअर लिप्स है उसमें भी हवा भरनी है। एक एक करके आप भर सकते हैं और एक साथ भी भर सकते हैं। तो पहले हम अपर लिप्स में हवा भर के आपको दिखाते हैं। इस तरह से आपको 5 टाइम करना है। पहले हम अपर लिप्स में हवा भरेंगे, उसके बाद फिर नीचे लोअर लिप्स में हवा भरेंगे। इस तरह से ऊपर और नीचे अलग-अलग आप हवा भरें, उसके बाद 2-3 बारी आपको दोनों ऊपर अपर और नीचे लोअर में दोनों में एक साथ हवा भरनी है। तो इससे क्या होगा कि जो यहाँ पे लिप्स एरियाज में रिंकल आ जाते हैं और यहाँ की स्किन थोड़ी सी लटकने लगती है, वो चीजें नहीं होंगी। इससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है आपका। दोस्तों अगला है कि हमारा जो ये गर्दन का एरिया होता है वहां से भी बहुत ज्यादा झुर्रियां आ जाती हैं। गर्दन से ही हमारी उम्र का पता चलता है। तो ये वाली एक्सरसाइज गर्दन के लिए है, बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो आप ये करके देखें, आपको अपने दोनों जो आपका माउथ एरिया है, इसे जैसे हम पाउट करते हैं ना, जब भी सेल्फी लेते हैं तो हम पाउट करते हैं, उसी तरह से सेम आपको पोस्चर रखना है। लेकिन अपनी दोनों आंखों यानी इन भौहों को आपको ऊपर करते हुए सीलिंग की तरफ आपको देखना है और अपने होंठ से आपको अपने नोज को टच करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब ये होगा कैसे, आप देख सकते हैं। ये आपने देखा, एक बार जब आप करते हैं तो पूरी यहाँ की स्किन बिल्कुल टाइट हो जाती है। और इस तरह से ये माउथ से आप अपनी नोज की टिप को छूने की कोशिश करेंगे और अपनी आंखों का पोस्चर जो है सीलिंग की तरफ आपको रखना है, ठीक है। बस इसी तरीके से आपको करीब 10 टाइम करने की कोशिश करनी है। पहली बार आपसे नहीं होगा, हर बार हम आपसे बताते हैं। सिर्फ आप 5 बारी करें, फिर 6-7, इसी तरह से आपको टाइम बढ़ाते जाना है। बस ज्यादा से ज्यादा 10 बार आपको करना है। और जब आप ये करेंगे ना तो आपको यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा। पहली बार आप करेंगे तो थोड़ा दर्द भी होगा, ठीक है। तो आप ये समझें कि आपको ये सभी जो पोस्चर हैं आपको लाभ देने वाले हैं। तो आप ये करके देखें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये मैंने सामने मुख रख के किया है। अब आपको अपनी गर्दन को इस तरह से साइड में करना है, क्योंकि इस तरह से यहाँ के एरियाज को भी आपको कवर करना है। तो इसके लिए आपको 90 डिग्री अपनी गर्दन को इस तरह साइड में ले जाना है और साइड में ले जाते हुए आपको सेम पोस्चर करना है। अपने माउथ से, अपने लिप से आपके नोज को टच करने की कोशिश करनी है और अपने दोनों आंखों को ऊपर इस तरह से सीलिंग को देखना है, ठीक है। और आपकी जो भौं होंगी, यहाँ की जो थ्रेड जिसे आप कहते हैं, इसको भी आपको ऊपर साइड में बिल्कुल सीधे रखनी है। तो पोस्चर हम करके दिखाते हैं।
आपने देखा कि यहाँ के स्किन को टाइट करने के लिए आपको अपने साइड में फेस इस तरह से करके ऊपर सीलिंग को देखना है अपनी आंखों से, और इस तरह से लिप्स को, नोज के टिप को छूने की कोशिश करनी है। सेम आपको इस साइड के गर्दन के इस एरियाज को सही करने के लिए आपको दूसरी तरफ मुड़ना है। इस तरह से करना है। इस तरह से आप करेंगे तो आपकी गर्दन थोड़ी सी लंबी होगी, सुराहीदार लगेगी, और यहाँ पे रिंकल्स और जो झुर्रियां आती हैं वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। और साथ में आपको अपने आंखों पर भी ध्यान देना है, इससे आपकी आंखें यहाँ से बहुत अच्छी हो जाती है, जो रिंकल्स वगैरह दिखते हैं और जो आपके डार्क सर्कल आने शुरू होते हैं वो भी नहीं होंगे। तो ये आप शामिल करें, इस तरह से आप करें। उसके बाद कुछ पॉइंट्स होते हैं, आपको उसे भी इस तरह से करना है। तो आप ये दोनों आप फिंगर का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका जो प्रेशर होता है वो काफी अच्छा होता है। तो यहाँ पर लिप्स के एरिया में, क्योंकि यहाँ पे आपने एक्सरसाइज करी है ना, तो थोड़ी सी स्किन दर्द भी होने लगती है, तो इसमें भी बहुत आराम मिलता है। तो ये पॉइंट होता है, हल्का सा प्रेशर देना है आपको। तो ये भी आपको 5 बारी करनी है, और दूसरा प्रेशर आपको आंखों के किनारे यहाँ पे देना है, ठीक है? ये हल्का सा अपनी स्किन को खींचते हुए इस तरह से आप करेंगे तो आपको बहुत रिलीफ महसूस होगा। आप जब फेशियल कराने जाते हैं पार्लर में, तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो पॉइंट्स वो दबाती हैं, इसी फेशियल को आप, हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से होने लगते हैं और हमारे चेहरे पर एक निखार आता है। और ये एक प्रकार का फेशियल योगा इसे कहते हैं। और इस तरह से आप अलग अलग पोस्चर करके अलग अलग एरियाज को, यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे तरीके से आपका होने लगता है और आपके स्किन पे एक नेचुरल ग्लो आता है। तो आप ये अपने रूटीन में शामिल करें, अपने बॉडी को मेंटेन रखने के साथ साथ में अपने स्किन यानी कि चेहरे के स्किन को भी आपको ग्लो करने के लिए एक बहुत अच्छा जो है घरेलू तरीका आप अपना के देखें, बहुत लाभ मिलने वाला है। दोस्तों आपके बहुत सारे कमेंट्स थे कि आप हमें जो है अपने ब्यूटी टिप्स बताएं, उसका सीक्रेट शेयर करें, तो ये मैंने आपके साथ सीक्रेट शेयर किया है। आप इसे 10 से 15 मिनट अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें और इसे करके देखें, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। कि बिना एक भी पैसे खर्च किए हम अपने घर पे ही अपनी स्किन पे कैसे निखार ला सकते हैं, चेहरे पे ग्लो ला सकते हैं। आपकी स्किन कैसी भी हो, फेयर हो या फिर आपकी थोड़ी सी डल हो, कोई बात नहीं है, लेकिन निखार होना बहुत जरूरी होता है, मेरा ऐसा मानना है। तो आप अपनी स्किन पे इस तरह से कुछ एक्सरसाइज करके आप निखार ला सकते हैं, और अपने डाइट को भी बैलेंस आपको रखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए।